नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। बी टाउन के सेलेब्स इन दिनों बॉयकॉट ट्रेंड का हिस्सा बनते जा रहे हैं। फिल्मों के बाद अब एक और विज्ञापन को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। इस विज्ञापन को करने वाला और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन है। बता दें कि रविवार को ट्विटर पर बॉयकॉट जोमैटो ट्रेंड करने लगा। ये सब उज्जैन के महाकाल मंदिर के दो पुजारियों द्वारा ऑनलाइन फूड डिलीवरी फार्म द्वारा ऋतिक रोशन के विज्ञापन को वापस लेने की मांग के बाद शुरू हुआ। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक इस विज्ञापन से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। विज्ञापन में दिखाया गया है कि ऋतिक महाकाल से खाना थाली मंगवाते हैं। इस पर पुजारियों ने कहा कि उनका प्रसाद भक्तों को मुफ्त दिया जाता है और ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे फूड डिलीवरी ऐप के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। मन किया जोमैटो किया शीर्षक वाले विज्ञापन में ऋतिक कहते हैं कि उन्हें उज्जैन में एक थाली खाने का मन हुआ, इसलिए महाकाल से ऑर्डर किया। बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित भगवान शिव का महाकालेश्वर या महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो देश भर से भक्तों को आकर्षित करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर के पुजारी महेश और आशीष ने कहा कि जोमैटो को तुरंत विज्ञापन वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भक्तों को एक थाली पर प्रसाद परोसा जाता है और विज्ञापन हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। पुजारियों ने यह भी कहा कि उन्होंने उज्जैन के जिला कलेक्टर आशीष सिंह से भी संपर्क किया जो महाकाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है और कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है ताकि कोई भी फिर से हिंदू धर्म का मजाक न बना सके। आशीष ने विज्ञापन को भ्रामक करार देते हुए कहा कि मंदिर प्रसाद के रूप में मुफ्त भोजन देता है और इसे बेचा नहीं जाता। इसके तुरंत बाद ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट जोमैटो ट्रेंड करने लगा। विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ता चला गया। उसके बाद एक यूजर ने लिखा कि धर्मनिरपेक्ष भारत में हिंदू धर्म से संबंधित इस तरह का विज्ञापन करते समय जोमैटो को पहले सोचना चाहिए। दूसरे ने लिखा @zomato जो मांसाहारी परोसता है हिंदुओं के पवित्र महाकाल मंदिर की प्रसाद थाली को इस्त्री करके अपना व्यवसाय चलाना चाहता है, तो मेरे हिंदू बहादुर भाइयों को जगाओ और जोमैटो और ऋतिक रोशन को उनकी सही जगह दिखाओ। हालांकि एक ट्वीट के जवाब में जोमैटो ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन उज्जैन के विशिष्ट पिन कोड में चला जिसमें महाकाल रेस्टोरेंट के थालियों का संदर्भ दिया गया, ना कि श्रद्धेय श्री महाकालेश्वर मंदिर का। महाकाल रेस्टोरेंट उज्जैन में सबसे ज्यादा ऑर्डर किए जाने वाले रेस्टोरेंट में से एक है और थाली महाकाल रेस्टोरेंट में इसके मेन्यू में से एक है, ना कि श्रद्धेय श्री महाकालेश्वर मंदिर से। वहीं विरोध बढ़ने के बाद जोमैटो ने सभी से माफी मांगी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं।